तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर, आदिशासी अधिकारी, एसएफ क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा, लगभग 50 दिन के आसपास ही बचे हैं। तो अब तरीका यही है, कोई रणनीति नहीं होती 40 दिन की, 30 दिन की, 20 दिन की, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। अब यही है कि जो पढ़ लिया उसको बार बार रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर आप लोगों ने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी तो लगभग हर जगह ये चल रहा था कि राजस्थान सरकार ने क्या किया है, कल विधानसभा में एक कानून पास किया, एक अमेंडमेंट बिल पास किया बेसिकली, जिसमें क्या हुआ, जिसमें यह हुआ है कि जो राजस्थान नगरपालिका एक्ट है ना 2009 का, जिसका हमने पढ़े थे, इसमें सेक्शन 39 आप लोगों ने पढ़ा होगा आराम से। इस सेक्शन 39 का जो सब सेक्शन है 1 में अमेंडमेंट किया है और हटाया कुछ नहीं, कुछ जोड़ा है, 1E करके कुछ जोड़ा है एक प्रावधान। उस प्रावधान के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी जरूरत क्या थी, क्या इसमें कुछ कमियां थी कि एक्ट में जो इसको अमेंडमेंट करना पड़ा, और करना पड़ा तो क्या गवर्नमेंट ने सही किया है, क्या उसमें गवर्नमेंट को कुछ और कर सकती थी क्या, हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, हालांकि अमेंडमेंट 39 में किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत होगी 31 से। सेक्शन 31 आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो देखो, कोई भी जो अर्बन लोकल बॉडी होती, शहरी निकाय होती, तीन होती बेसिकली, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों में एक ही स्थिति होती है, पूरी वो जो क्षेत्र होता है, जैसे कि मान लो ये जयपुर नगर निगम है तो पूरा जयपुर को कुछ वार्डों में बांट रखा है, ठीक है, यहां तक होता है पूरे जयपुर में को वार्डों में बांट रखा है। अब हर वार्ड में चुनाव होगा, सपोज करो वार्ड एक है तो वार्ड MH इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा, कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, बीजेपी अपना करेगी, कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी, तो एक कैंडिडेट खड़ा होंगे, सपोज करो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, इनमें से एक जीतेगा, एक विन होगा। ऐसे लगभग 150 वार्डों में जितने भी वार्ड है सब में एक एक जीतेगा, फिर जिसकी मेजोरिटी होगी वो महापौर को बना लेगा, ये प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर चुनाव के लिए लड़ता है तो उसके लिए कई सारी शर्त होती है कि वो ये व्यक्ति लड़ नहीं सकता, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिसमें सबसे कॉमन होती है एक जो दो से ज्यादा बच्चे, ये राजस्थान सरकार का आपको रूल सबको पता होगा इसे, कि अगर किसी व्यक्ति के 1995 के बाद दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ऐसा व्यक्ति इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़ सकता, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इलेक्शन लड़ने का इच्छुक आदमी से ये ए है, ये क्या करता है, इस सूचना को छिपा लेगा, क्या करेगा, सूचना को छिपा लेगा। या इसमें एक और होता है, जैसे दो से ज्यादा बच्चे तो है ही सही, कई बार क्या होता है, अगर आपके खिलाफ केस चल रहा है, कोई भयानक वाला, खतरनाक वाला केस के भी लेवल होते हैं, तो वैसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अपने केस की खबरें दबा लेते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें नहीं बताते, तो ये चुनाव सूचना को छिपा लेगा, छिपा के चुनाव लड़ लेगा, ठीक है। तो बताओ, ऐसा चुनाव गलत है सही है, ये चुनाव देखा जाए तो एक तरह से गलत है, लेकिन यहां पर किसी के आप क्या कर सकते हैं इसका, तो इसका एक तरीका है जो सेक्शन 31 में दिया गया है। आप लोगों ने सेक्शन 31 पढ़ा होगा, सेक्शन 31 है इलेक्शन पिटिशन, निर्वाचन याचिका, या इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन पिटिशन, निर्वाचन याचिका करके जो टॉप है धारा, इसमें क्या कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित हो गया गलती से, कोई सूचना छिपा के, तो क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, उसके जो निर्वाचन के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। कौन से कोर्ट में जाएंगे, तो जिस एरिया में, जिस जिले में वो नगर पालिका है, उस जिले का डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ क्या करेंगे, अपील करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ केस करेंगे, एक महीने के भीतर भीतर, कितने टाइम, महीने के भीतर भीतर, जैसे मान लो आज चुनाव निर्वाचित हो गया हो, तो आज के एक महीने के भीतर भीतर वहां डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर केस करना पड़ेगा। फिर ये जज साहब सबको सुनेंगे और फिर जैसा भी उनको लगेगा वैसा वो निर्णय देंगे, डिसीजन देंगे फाइनल। तो दोस्तों, इसमें पर समस्या है, अब मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 31 ये कहता है कि अगर किसी ने कोई सूचना छिपा के चुनाव लड़ लिया और फिर जीत गया हो, निर्वाचन याचिका जीत गया हो, निर्वाचित हो गया, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति निर्वाचन याचिका के माध्यम से क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जो जज है उसके यहाँ केस दर्ज कर सकता है कि भाई इसने गलत सूचना, क्या कहते हैं, गलत सूचना देकर चुनाव लड़ा है, इसलिए इसका क्या किया जाए, निर्वाचन को खारिज किया जाए। अब ये फिर है ना, ये जज निर्णय दे देंगे, जैसा भी होगा, अगर उनको लगेगा बात सही है तो उसको निर्वाचन खारिज कर देंगे, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। पर ये सब काम कब होगा, ये चुनाव के एक महीने के भीतर भीतर होगा, जिस दिन वो चुनाव जीता, निर्वाचित हुआ, उसके एक महीने के भीतर भीतर केस कर सकते, एक महीने के बाद केस नहीं कर सकते। तो सर, अगर 1.5 महीने बाद पता चला, तो सब को इसको 1.5 महीने बाद पता चला, तो 1.5 माह बाद पता चला, तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक तरह से क्या, ये कानून में लूपहोल था,
डेढ़ महीने बाद है, ये आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते। ये क्या करेगा, ये पूरा 5 साल का कार्यकाल खत्म करेगा, ये जो वार्ड मेंबर बनाए ये 5 साल का कार्यकाल खत्म करेगा। अब डेढ़ महीने बाद हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो एक तरह से क्या ये एक्ट में कमी है, इसको दूर करने के लिए ये संशोधन किया गया। क्या किया गया, उसको हम सेक्शन 39 पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपको सेक्शन 31 के बारे में समझ में आ जाना चाहिए। और इसके एक शर्त होती है दोस्तों, ये सेक्शन 31 होता है ना, ये चुनाव के पहले के कंडीशन लागू होता है। कब, निर्वाचन के पहले की, उस पर निर्वाचन के पहले की पर, निर्वाचन के पहले जो अयोग्य होता है ना उसके लिए लागू होता है। एक बार निर्वाचन हो गया उसकी कार्रवाई इसके दायरे में नहीं आती। ये सेक्शन 31 के अंडर कब आती है, जब वो चुनाव लड़ रहा था उससे पहले उसकी कोई अयोग्यता थी, उसके पहले उसके 3 बच्चे थे, उस आधार पर यहां केस होता है सेक्शन 31 के तहत। लेकिन अगर मान लो कोई चुन गया, ठीक है, लेकिन मान लो समझ कोई निर्वाचित हो गया पार्षद, ठीक है, अब इसने क्या किया, निर्वाचित होने के बाद कुछ बदमाशी करी। कैसे करी, जैसे 3 मीटिंग में ये रेगुलर उपस्थित नहीं हुआ, 3 मीटिंग में ये बिना परमिशन के या बिना छुट्टी लिए उपस्थित नहीं हुआ, ये आए नहीं मीटिंग में, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इसने शपथ ग्रहण नहीं करी हो, या फिर ये अपना जो है ना कार्य उसको कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं है, कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं है, तो अपने निर्वाचन के बाद ऐसे कोई दिक्कत आ रही है, वो काम नहीं करना चाह रहा, या अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा, या फिर क्या हो रहा मीटिंगों में नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य सरकार इस सेक्शन 39 के तहत, सेक्शन 39 के तहत क्या होता है, राज्य सरकार क्या करेगी, एक जांच अधिकारी नियुक्त करती है। कौन नियुक्त करती है, जांच अधिकारी। ये जांच अधिकारी की रिपोर्ट में क्या कर सकती है, इस पार्षद को, इस मेंबर को पद से हटा सकती है, पद से हटा सकती है। तो देखो 31 तो कब था, 31 तो निर्वाचन के पहले की उस पर लागू हो रहा था, और जो 39 है ना, ये निर्वाचित हो गया पार्षद उसके बाद लागू हो रहा है। 31 में कहां जाएगी, तो 31 में डीजे के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में, लेकिन 39 में कौन एक्शन लेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो यहां तक आप समझ गए क्या, तो ऐसे ही 39 में दोस्तों, 39 का सेक्शन है, सब सेक्शन है 1, इसमें कई सारे लिस्ट दे रखी है, भाई ये स्थिति के आधार पर राज्य सरकार इसको पद से हटा सकती है। जैसा कि एक तो मैंने बता दिया, ए 3 क्या मीटिंग तक नहीं आया, एक इसमें है जैसे कि सेक्शन 37 का पालन नहीं करे, 37 आपको पता होगा सही, पद की शपथ लेने का, तो उसके नियमों का पालन नहीं कर रहा हो, तो ऐसे है ना, इसमें अब तक कितने थे, सी और डी दोनों थे, यहाँ डी तक थे, ऐसे कई सारे इसमें दे रखे थे। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, 39 में तो ये आ गई, लेकिन दिक्कत कहाँ पैदा हुई, दिक्कत 31 की पैदा हुई। 31 में क्या पैदा हुई, एक माह के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तब फिर कैसे बाहर बैठे, तो गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया गया कि 39 जो 1 था ना, इस 1 में ई जोड़ा, क्या जोड़ा, ई जोड़ा, और क्या जोड़ा, ई में ये जोड़ा कि अगर सेक्शन 31 के तहत ये क्या हो, एक माह का समय समाप्त हो गया, और फिर भी गवर्नमेंट को, अगर स्टेट गवर्नमेंट को शिकायत प्राप्त हो रही है कि उसने क्या किया, मान लो उसके 3 बच्चे थे, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करेगी, पद से हटा सकेगी। तो इसने क्या किया, जो सेक्शन 31 में जो लूप होल था ना, एक्ट में कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए 39(1) में अमेंडमेंट किया कि अगर इस 31 के तहत क्या हुआ, एक माह का टाइम निकल गया, उसके पहले क्या था, कोई रेमेडी नहीं थी, कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते थे, तो अब क्या किया, एक महीने के बाद भी कहां चल जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के पास चल जाओ, अगर ये साबित हो जाएगा कि उसने कुछ बदमाशी करी थी, तो उसको क्या होगा, यहां पद से हटाया जा सकेगा। अब दोस्तों इसके 2 मत समझ उभर के आए, कल अगर आप डिबेट सुन रहे होंगे, तो एक तो कांग्रेस पार्टी तो लेके ही आई इसको, अमेंडमेंट को, स्वायत्त शासन विभाग में जो मंत्री थे धारीवाल, शांति धारीवाल जी, एक बीजेपी के लोग भी इसमें डिबेट में भाग ले रहे थे, तो जब गवर्नमेंट बिल लेके आए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पक्ष तो पॉजिटिव रखेगी उसके पक्ष में, तो इनका भी कहना था कि भाई जो क्या हुआ सेक्शन 31 में क्या था, लूप होल था, एक माह का ही टाइम था, मान लो कोई किसने ऐसा किया कि उसके 3 बच्चे थे, उसने छिपा ली, 1 महीने तक पता नहीं लगा, 2 महीने बाद पता लगा, तो फिर उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ना, ऐसा आदमी तो क्या करेगा, 5 साल तक शासन, 5 साल तक पद पर रहेगा, तो ये एक तरह से गलत बात है, क्या है, गलत बात है, तो क्या है, तो हमने सुधार किया इसमें, हमने इसको क्या किया, सुधार किया, इसलिए इसको कानून के समर्थन करना चाहिए आपको, जो इसको अमेंडमेंट हुआ। दूसरा, बीजेपी वालों को तथ्य था कि भाई क्या होगा कि सेक्शन 31 में कौन करता था, सेक्शन 31 में निर्णय करता था कौन, न्यायपालिका, डिस्ट्रिक्ट जज। अब न्यायपालिका तो देश में हम सब जानते हैं इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष होकर निर्णय करती है, लेकिन अब ये क्या होगा, अब इसमें सेक्शन 39 में जोड़ने से क्या होगा कि ये पार्षद पद के योग्य है नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा, इसका निर्णय लेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, राजनीतिक रूप से दबाव बनाएगी इस पर, इन पर क्या होगा, राजनीतिक रूप से दबाव बनाएगी। चलो कांग्रेस का ठीक है, लेकिन बीजेपी के पार्षद होगा उनको परेशान कर सकती है, उनको राजनीतिक रूप से दबाव बना सकती है, इसलिए ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं जम नहीं रहा।
तो अब आप मुझसे पूछो तो मेरी क्या राय है, तो मेरी राय है कि ये जरूरी था अमेंडमेंट, सही बात थी। आर्टिकल 31 में क्या था, कमी तो थी, लेकिन इसके लिए ये 39 में अमेंड नहीं करना चाहिए था। बेसिकली जो सेक्शन 31 था इसी में अमेंडमेंट कर देता, क्या कर देता, अमेंडमेंट कर देता इसी में, कि वो जो एक माह का समय था ना, इसको बढ़ा के एक साल कर सकते थे, दो साल कर सकते थे, तीन साल कर सकते थे, या पांच साल ही कर देते, जब तक वो पद पे है। अगर उसने कभी पुराना पाप किया होगा तो उसके आधार पर उसको कहां जाते, कोर्ट में जाते। लेकिन इनको क्या, अगर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दोगे तो गवर्नमेंट तो फिर क्या, राजनीतिक रूप से कार्य करती है, दबाव का काम करेगी। इसलिए सबसे बढ़िया ये तरीका ये होता है कि इसमें सेक्शन 31 को कोई अमेंड करते हैं और एक महीने को बढ़ा के दो साल, तीन साल, चार साल, जितना भी गवर्नमेंट को लगता है उतना कर सकती थी। अब हम ना इसको पीपीटी में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो जैसे मैंने बताया, जो अभी कल जो अमेंडमेंट पास हुआ था विधानसभा में, उसका नाम था राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल 2023। कब पास हुआ था, 20 मार्च 2023 को विधानसभा ने पास कर दिया, कल की तो बात है। अब ये गवर्नर साहब के पास जाएगा, बिल पे साइन होता है, क्या हो जाएगा, कानून में अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद वर्तमान में क्या प्रावधान था, हमने सेक्शन 31 देख लिया था, पार्षद या निकाय के प्रमुख को हटाने के लिए क्या करने पड़ेगी, इलेक्शन पिटीशन करना पड़ेगा, ईपी इलेक्शन पिटीशन निर्वाचन याचिका लगानी पड़ेगी। कहां लगानी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां लगानी पड़ेगी, एक महीने के भीतर भीतर, वो भी कहां पे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां। उसके बाद नहीं हटा सकते, मान लो नहीं पता चला, डेढ़ महीने बाद पता चला तो क्या करेंगे, तब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा पहले मैंने बताया था जो इस बिल के द्वारा क्या हुआ, सेक्शन 39 में क्या किया गया, सेक्शन 39 में कुछ ऐड किया गया। सेक्शन 39 क्या कहता है, सेक्शन 39 के तहत क्या होती है, राज्य सरकार किसी मेंबर पार्षद को पद से हटा सकती है। उसके कुछ आधार हैं, कई सारे आधार मैंने बताए, बाकी भी हैं तो आप उनको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। और ये सेक्शन अभी अमेंडमेंट होने से और इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इनको अच्छे से रट लेना 39 को और 31 को। तो विभिन्न आधारों पर राज्य सरकार जांच के उपरांत क्या कर सकती, सदस्य को हटा सकती, जांच करनी पड़ेगी, संधि हवा में, हवा में नहीं हटा सकती, जांच करनी पड़ेगी। इसमें क्या जोड़ा गया नया, 39(1)(d) तो थे, इसे 1A था, 1B था, सी था, डी था, अब इसमें ई जोड़ दिया, क्या जोड़ा ये मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या प्योर हिंदी है, मैंने कल वहीं से लिया इसको, कल जो ऑफिशियल वो था ना डॉक्यूमेंट, अभी मैं आगे बताऊंगा, वहां से लिया इसको। पर इसका मतलब यही है कि 31 के तहत अगर एक महीने का टाइम भी पूरा हो जाए तब भी क्या कर सकते, गवर्नमेंट कार्रवाई कर सकती है, यही इसका मतलब है। कि उसके निर्वाचन के पश्चात राज्य सरकार की जानकारी में आया कि निर्वाचन की तारीख को वो इस अधिनियम के अधिनियम उसके भरोसे के लिए चुने जाने हेतु नहीं था। ये कहना चाह रहा है कि अगर राज्य सरकार को पता चल जाता है कि वो है ना मेंबर या पार्षद बनने के योग्य नहीं था, कभी भी चल जाए, एक महीने नहीं, कभी भी, और नगर पालिका के सदस्य के रूप में उसका निर्वाचन किसी निर्वाचन द्वारा पर्षद नहीं किया गया, मतलब वो राज्य सरकार को पता लग गया और किसी ने कार्रवाई भी नहीं करी, कहां पर, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पर, और वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील करने का टाइम भी खत्म हो गया, कितना था, एक महीने का। तो अभी ऐसी स्थिति में क्या होगी, ऐसी स्थिति में एक महीने के बाद राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है, यही अमेंडमेंट किया गया। ये इसकी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, आप लोगों को ज्यादा चिंता में नहीं पड़ना। इसके बाद दोस्तों आप सबको बताया, हमारी ऑफलाइन टेस्ट चल रही थी, काफी पॉपुलर रही है ऑफलाइन टेस्ट, आज की डेट में काफी पॉपुलर है। आप लोग में से कई लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, अच्छी अच्छी रैंक आ रही है लोगों की, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, कई लोग रेगुलर टॉप कर रहे हैं। तो लास्ट के जो हमने पांच टेस्ट थे दोस्तों, जो पांच टेस्ट थे, इनको बहुत व्यापक स्तर पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है पहला टेस्ट, और लास्ट टेस्ट 23 अप्रैल तक जाएगा। तो ये टोटल पांच टेस्ट है, बिल्कुल जैसे एग्जाम पैटर्न होता है ना वैसे, 120 क्वेश्चन के आधार पर अधिक बढ़िया से बढ़िया इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इसको अधिक से अधिक ज्वाइन करें और ना इसको अटेंड करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये इसका ओरिजिनल था जो गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, ये क्या नाम था, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 था। इसको क्या करना है, इसका जो 39 की जो धारा है कौन सी, 1E जोड़नी थी बेसिकली, इसको हिंदी में ड कह देंगे। तो ये आया कि क था, ये ड जोड़ी, देखो ये वाली चीज जोड़ी है उसके निर्वाचन के पश्चात, पर ये हमको याद नहीं करना, ऐसा मैंने आपको समझा दिया उतना ही याद करना है। इसके बाद इसका गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव बताया भाई क्यों इसको लेके आए। तो ये गवर्नमेंट, ये देखो धारीवाल जी हमारे जो मंत्री हैं सारे शासन विभाग के, इन्होंने कल बिल पेश किया था, इन्होंने डिबेट करी थी इसमें, और ये सब इसके बातें हैं, तो हमको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, चाहे तो आप लोग कोई चाहे तो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।